जब कोई ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील किया गया तो लगा कि नगर पंचायत का विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर कोई शहर बदहाली की स्थिति में नजर आ रहा है। समझौते के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन, सुरक्षा कवर, बैंक खाते में जमा, भविष्य निधि आदि पर सहमति बनी थी, लेकिन स्वप्नपूर्ति कंपनी ने सभी नियमों का पूरी तरह उल्लंघन कर कर्मचारियों व नगर पंचायत के साथ ठगी की गई है, जिसके कारण मजदूरों के साथ घोर अन्याय हुआ है। ऐसा कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है। कंपनी के मालिक सचिन मानकर ने अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021 तक 9 महीने के लिए कर्मचारियों को बिना कुल वेतन दिए नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए श्रमिकों के लिए भूखमरी का समय है, ऐसा उन्होंने बीसीएन के संवाददाता से कहा। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें जानबूझकर 9 महीने का वेतन नहीं दिया है। माझा पगार कमी कमी 7-8-9 महिन्यापासून पगार देण्यात आला असाय खात्यात पगार। बीसीएन न्यूज के लिए कोही से संजय अधकरी की रिपोर्ट।